गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और इसकी फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा मानव नेत्र और उसके अंगों के कार्य। उसके बाद उसमें हमने पढ़ा समंजन क्षमता। तो उस वीडियो का एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया था जो मैं अभी करवा रहा हूँ। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिज्म और प्रिज्म द्वारा होने वाला अपवर्तन और प्रकाश का विक्षेपण। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जो ऊपर मैंने लिखा है, ये प्रश्न लास्ट वीडियो में रह गया था, बाय मिस्टेक उसमें रह गया था, तो वो मैं बता रहा हूँ। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि पुतली के साइज को नियंत्रित करती है प्रीतारिका। अधिक प्रकाश में पुतली का साइज छोटा हो जाता है और मंद प्रकाश में पुतली का साइज बड़ा हो जाता है। तो उसी के आधार पर ये प्रश्न है कि जब हम अंधेरे कमरे से तेज रोशनी में जाते हैं तो एकदम हमारी आंखें चुंधी आ जाती हैं, मतलब एकदम आंखों पे बहुत रोशनी सी महसूस होती है आंखों में। या अगर हम अंधेरे में बैठे हैं, कोई एकदम लाइट चला दे, तब भी हमारा हाथ आंखों पे जाएगा। क्यों? क्योंकि आंखों में एक तेज रोशनी महसूस होती है जिसको बोलते हैं कि आंखें चुंधी आ गई है। तो वो क्यों होता है? उसका कारण यही है कि जब हम अंधेरे में होते हैं तो अंधेरे में हमारी जो पुतली है वो देखने के लिए अपने अपने साइज को बढ़ा लेती है, उसका साइज बड़ा हो जाता है ताकि अधिक से अधिक प्रकाश आंखों में जाए। क्योंकि अंधेरे में प्रकाश इतना नहीं होता तो इसलिए पुतली का साइज बढ़ जाता है। अब एकदम से जब लाइट जलती है तो वो पुतली का जो साइज बड़ा हुआ था वो कम होने में थोड़ा टाइम लेता है, कुछ सेकंड का टाइम लेगा। तो उस दौरान जब वो खुला हुआ है तो वो तेज रोशनी एकदम से आंखों में जाएगी जिसके कारण हमारी आंखें चुंधी आ जाती हैं। इसका उल्टा भी होता है, जब हम तेज रोशनी से अंधेरे कमरे में आते हैं तो एकदम से हमें कुछ दिखाई नहीं देता। उसका कारण क्या है कि जब हम तेज रोशनी में होते हैं तो हमारी पुतली का साइज छोटा होता है। क्यों? क्योंकि बाहर तो तेज रोशनी थी, उससे बचने के लिए हमारी पुतली का साइज छोटा हो जाता है। तो हम अचानक से जब अंधेरे कमरे में आते हैं तो पुतली का साइज तो छोटा है, अब उसको बड़ा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उतने ही टाइम तक हमें अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे पुतली का साइज बढ़ता है हमें अंधेरे कमरे में दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये प्रश्न कई बार पेपर में आ जाता है। ये रह गया था मेरा लास्ट वीडियो में, जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी इसकी, उसमें बच गया था, तो ये मैंने बता दिया। अब एक क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में दो आंखें क्यों होती है, मानव की दो आंखें क्यों है, एक आंख क्यों नहीं है? तो उसका कारण क्या है? देखो, दो आंखें होने के हमारे कुछ बेनिफिट हैं, कुछ लाभ है हमें कि हमारी दो आंखें हैं। क्या लाभ है? एक तो हमारी दो आंखें अगर होती हैं तो हम एक बहुत बड़े क्षेत्रफल को देख पाते हैं। जैसे अब एक आंख बंद करके अगर हम देखते हैं, एक आंख बंद करके देखते हैं तो हम सिर्फ 150 डिग्री के एंगल तक ही क्षेत्र को देख पाते हैं, 150 डिग्री तक। लेकिन जब हम दोनों आंखों से देखते हैं तो हम 180 डिग्री के एंगल तक उस क्षेत्र को देख सकते हैं जो 180 डिग्री के एंगल में आ जाता है। मान लो इधर से लेकर और इधर तक जो आगे है पूरा का पूरा 180 डिग्री, इधर से और इधर तक 180 डिग्री का कोण है, तो हम पूरे के पूरे क्षेत्र को देख पाते हैं। किसके कारण? दोनों आंखों के कारण। अगर हमारे पास सिर्फ एक आंख है तो एक आंख से हम पूरा 180 डिग्री के कोण पर नहीं देख पाएंगे, हम सिर्फ 150 डिग्री के कोण तक देख पाते हैं। ठीक है भाई, एक तो ये फायदा हो गया हमें। दूसरा, दोनों आंखों से हम दूरी का स्टीक अंदाजा लगा सकते हैं, बिल्कुल दूरी का अंदाजा स्पष्ट लगा लेते हैं। कैसे? क्योंकि हमारी आंखों के बीच में थोड़ा सा गैप है, देखो थोड़ी सी दूरी पे है हमारी आंखें, तो हमारी आंखें प्रत्येक वस्तु का अलग अलग प्रतिबिंब बनाती है और उस प्रतिबिंब में थोड़ा अंतर भी होगा। जब अलग अलग प्रतिबिंब बनेगा अलग अलग एंगल से तो प्रतिबिंब में अंतर तो होगा ही। फिर वो जो प्रतिबिंब हमारी आंखों से होता हुआ दिमाग में जाएगा तो दिमाग उन दोनों प्रतिबिंबों को आपस में इकट्ठा करके कंबाइन करके हमें वस्तु को दिखाता है। तो वस्तु हमें 3D में दिखाई देती है, मतलब अलग अलग एंगल से दिखाई दे जाती है और स्टीक दिखाई देगी कि कितनी दूरी पे है। दूरी का जैसे एक उदाहरण ले ले, आपके पास दो पेंसिल हैं, आप एक आंख बंद करके
पेंसिल की दोनों नोकों को आपस में मिलाने की कोशिश करो, ऐसे एक का एक आंख बंद करके और नोक को आपस में मिलाने की कोशिश करो, तो आपके लिए उन दो नोक को आपस में मिलाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक आंख से दूरी का स्पष्ट अंदाजा नहीं लगा सकते कि वस्तु है कहां पे। लेकिन जैसे ही हम अपनी दूसरी आंख भी खोल लेते हैं, हम दो उस पेंसिल की दो नोक, दो सिरे, उनको आपस में आसानी से मिला सकते हैं। तो क्या फायदा होगा दो आंख होने का? एक तो भी हम एक बहुत बड़े क्षेत्रफल को देख पाते हैं, 180 डिग्री के कोण तक हम वस्तुओं को देख पाते हैं। दूसरा, दूरी का स्पष्ट अंदाजा हमें या स्पष्ट अनुमान हमें हो सकता है किससे? दो आंख होने से। देखो, हमारी आंखें जो होती है वो तो बिल्कुल सामने है, हम तो 180 डिग्री तक ही देख पाते हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी आंखें फ्रंट पे नहीं होती, सामने नहीं होती, उनकी आंखें साइड में होती है। देखा हो आपने, हिरण को अगर देखो, गाय को देखो, भैंस को देखो या खरगोश को देखो, उनकी आंखें साइड में होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई वो शिकार है, शिकार मतलब वो तो प्रे है, प्रीडेटर नहीं। प्रीडेटर जो होते हैं जैसे लायन है या चीता, इनको देखो, इनकी आंखें फ्रंट होती, सामने होते हैं। इनको इतने ज्यादा वाइड क्षेत्र को देखने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ अपने प्रे को देखना है, मतलब दूरी का सटीक अंदाजा लगाना है कि हमारा जो शिकार है वो कितनी दूरी पे है, इसलिए उनकी आंखें फ्रंट पे है। जैसे हमारी आंखें, हमें भी सिर्फ चलना होता है कि दूरी का अंदाजा लगाना पड़ता है। जो शिकार होता है मतलब गाय, भैंस या जो ये खरगोश है, ये तो शिकार है, इनको बचना होता है, इसलिए इनको ज्यादा क्षेत्रफल को कवर करना पड़ेगा। मतलब क्या पता शिकारी कहाँ से आ जाए, किस साइड से आ जाए, तो इसलिए उनको देखो, एक आंख इस साइड है तो वो इस साइड के बड़े क्षेत्रफल को देख रही है, एक आंख इस साइड है तो वो बड़े क्षेत्रफल को देख रही है, तो दोनों आंखें मिला के एक बहुत बड़े क्षेत्रफल को देख पाती है। ये कारण है, ये अडेप्टेशन है उनकी, कि साइड में जो आंखें होती है वो शिकार से बचने के लिए, ताकि अधिक से अधिक बड़ा क्षेत्रफल वो देख पाए और शिकारी को देख सके। जबकि शिकारी की आंखें जो होती है वो तो फ्रंट होती है, सामने, और सामने आंखें जो होती है उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा होता है कि हम दूरी का अनुमान एकदम स्पष्ट लगा सकते हैं। जैसे हमारी आंखें हैं, हम भी दूरी का अनुमान स्पष्ट लगा सकते हैं। इसको स्टीरियोस्कोपिक विजन बोलते हैं, स्टीरियोस्कोपिक विजन, जिसकी आंखें जो सामने होती है वो उसकी दृष्टि जो होती है वो स्टीरियोस्कोपिक विजन कहलाती है। ठीक है भैया, ये फायदा हो गया हमारा, किसके कारण? दो आंखें होने से हमारा फायदा हुआ। क्या हुआ मैंने बताया। अब देखो, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई जो अंधे हैं, मतलब जिनके पास आंखें नहीं है, तो हम उनको आंखें दान कर सकते हैं, मतलब मनुष्य की आंखें दान की जा सकती है। लेकिन दान, अगर हम अपनी आंखों को दान करते हैं तो मृत्यु के समय, मतलब ऐसा नहीं है कि मरने से पहले ही अगर हमने अपनी आंखें दान कर दी तो मरने से पहले ही डॉक्टर निकाल के ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर हमने अपनी दान डोनेट अपनी आंखें डोनेट कर दी है तो हमारी मृत्यु के बाद उनको अगर खबर मिलती है, उनको खबर करनी पड़ेगी, हॉस्पिटल में खबर करनी पड़ेगी, जहां पे रजिस्ट्रेशन होता है कि मैं अपनी आंखें दान करना चाहता हूं, तो वहां रजिस्ट्रेशन करवा के जब कभी हमारी मृत्यु होगी तो वहां इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो वो लोग आएंगे और हमारी आंखों को ले जाएंगे। मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर आंखों को निकाल लेना अनिवार्य है, नहीं तो क्या होता है, मरने के बाद सारे टिश्यू टूटना शुरू कर देते हैं, डैमेज होना शुरू कर देंगे। तो 4 से 6 घंटे तक आंखें ठीक रहती है, उसके अंदर अंदर उसको निकाल लेना पड़ता है, नहीं तो फिर वो खराब हो जाएगी। 10-15 मिनट का टाइम लगता है आंखें निकालने में, डॉक्टर आते हैं आंखें निकालते हैं, और इससे बॉडी के ऊपर कोई असर नहीं होता। कई बार क्या होते हैं कि इन्फॉर्म नहीं करते डॉक्टर्स को, किस लिए, वो सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि वो चीर फाड़ करेंगे और बॉडी को बिल्कुल मतलब डिसफिगर हो जाएगी, हम आते निकाल देंगे या कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा सोचते हैं लोग, ये जनरली मेंटलिटी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बॉडी में कोई डिफिगरमेंट नहीं आती, बॉडी डिफिगर नहीं होगी, तो आसानी से आंखें निकाली जा सकती हैं। जो आदमी जिसको चश्मा लगा हुआ है या कोई बूढ़ा है, चाहे कोई मेल है चाहे फीमेल है, कोई भी अपनी आंखें दान कर सकता है। जिसको शुगर की बीमारी है या फिर कोई नॉर्मल जो बीमारियां होती है, अगर ऐसी कोई बीमारी है तो वो भी आंखें दान कर सकता है। लेकिन जो भयंकर बीमारी है किसी में, जैसे एड्स है या हेपेटाइटिस है या कैंसर है, ऐसा व्यक्ति आंख दान नहीं कर सकता, ऐसे आदमी की आंखें नहीं ली जा सकती भाई। ठीक है, तो आंख, हम अपनी आंखों से
एक आदमी दो आदमियों को आंखें दान कर सकता है, मतलब कम से कम मान लो कोई अंधा है अगर उसको एक आंख भी मिल जाए तो वो देख तो सकता है ना। तो एक व्यक्ति दो आदमी को दृष्टि दे सकता है, ठीक है। तो कितना फायदा है, क्योंकि बहुत सारे आदमियों की डेथ होती है, आंखें वैसे ही जलती है पता ही है आप लोगों को, तो बहुत अच्छा होता है अगर हम अपनी आंखों को या अपने दूसरे अंगों को भी दान कर दे, क्यों ना। अरे हमारी आंखें तो कम से कम जीवित रहेंगी, हमारे मरने के बाद किसी और के पास सुरक्षित रहेंगी, हमारी आंखों से वो लोग दुनिया को देखेंगे। हम मर गए हैं लेकिन फिर भी हमारी आंखें दुनिया को देख रही है, तो बहुत बड़ी बात है। तो हमें अपनी आंखें दान कर देनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं भाई प्रिज्म द्वारा अपवर्धन। प्रिज्म आप लोगों ने देखा ही होगा, प्रिज्म क्या होता है, एक ट्रायंगल शेप का एक कांच का टुकड़ा होता है, ट्रायंगल शेप का। जैसे अपने ग्लास स्लैब पड़ी थी, कांच की स्लैब, उसमें क्या थी, उसमें कांच की एक स्लैब थी, वो आयताकार थी, उसके दो सतह जो थी जहां से अपवर्तन होता है वो एक दूसरे के समानांतर थे। लेकिन यहाँ पे जहां पे अपवर्तन होता है, जिस सतह पे अपवर्तन होता है, यहाँ भी दो सतह होती है लेकिन ये दोनों सतह समानांतर नहीं होती, ये किसी न किसी कोण पे एक दूसरे से मिली होती है। वास्तव में प्रिज्म कैसा होता है, वास्तव में प्रिज्म ऐसा होता है, लेकिन हम प्रिज्म द्वारा अपवर्तन दिखाने के लिए प्रिज्म को ऐसे बनाएंगे, ट्राइंगल जैसा, ठीक है। वैसे प्रिज्म के जब प्रकाश की किरण टकराती है तो इस फेस पे टकराती है, ये F1 फेस है और ये F2, और यहां से निकलती है F1 एक फेस जहां टकराएगी और F2 दूसरा फेस जहां से निकलती है। हम ऐसा नहीं बना रहे हैं, हम इसको ऐसा बनाएंगे समझने के लिए, ठीक है भाई। तो देखते हैं प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। तो हम एक प्रिज्म ले लेंगे, ये एक प्रिज्म ले लिया। तो जब इसके एक सतह पे देखो, ये प्रिज्म है PQR और इसकी इस सतह पे PQ पे कोई आपतित किरण टकराती है, कोई किरण A B पॉइंट पे यहां पे टकराई। अब हमें पता है जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। देखो इसको जाना था सीधा ऐसे, लेकिन ये जाएगी कैसे, ऐसे। क्यों जाएगी, इस साइड क्यों मुड़ी है, क्योंकि हमें पता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह नॉर्मल की तरफ झुकती है, नॉर्मल मतलब अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो अभिलंब क्या है, N N' ये अभिलंब है। तो देखो ये ऐसे जाने के, लेकिन ये इधर मुड़ गई अभिलंब की तरफ, ठीक है। तो ये इस साइड से ऐसे गई। तो AB आपतित किरण है और B और C वो किरण है जो प्रिज्म में चल रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण, जो अपवर्तन के बाद बनी है। बी सी क्या है, अपवर्तित किरण। अब बी सी जब इस सतह से टकराएगी PR से, तो ये सतह भी वो है जो दो माध्यम को अलग करती है, एक कांच को, एक इधर वायु है। तो जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, पता है हमें। तो जब ये प्रकाश की किरण इस सतह से टकराएगी तो ये अपने रास्ते से भटक जाएगी, इसको जाना था सीधा लेकिन जाएगी ऐसे, ठीक है भाई। तो ये जो CD ये जो निकली है इसको बोलते हैं निर्गत किरण। तो कहने का मतलब क्या है, प्रिज्म ने क्या किया, प्रिज्म ने प्रकाश की किरण को मोड़ दिया। देखो आने वाली प्रकाश की किरण ये थी AB, जाती ऐसे CD, लेकिन इसको विचलित कर दिया, मतलब डेविएट कर दिया। निकली कहां से, जाना था सीधा, निकली कहां से CD, इसको जाना था ऐसे लेकिन निकली ऐसे। ये किसके कारण हुआ, प्रिज्म के कारण। जबकि हमने देखा कांच की स्लैब में, हमने क्या देखा था, जब प्रकाश की कोई किरण ऐसे आती है तो जो निकलने वाली किरण होती है इसके समानांतर ही जाती है, मतलब थोड़ी सी उनमें उसमें विचलन तो होता है लेकिन वो होती समानांतर है, किसके, इसके समानांतर। ये हम पढ़ चुके हैं, उनमें पार्श्व विस्थापन तो होता है, जैसे कांच की स्लैब ऐसे ली थी हमने, एक ऐसे गई थी फिर ऐसे गई, ठीक है भाई, और ऐसे गई, ठीक है। लेकिन इसको जाना था ऐसे सीधा। देखो ये और ये दोनों क्या है, समानांतर है, ये आपतित किरण है, ये निर्गत किरण है। ये ग्लास स्लैब की बात कर रहा हूं मैं, ग्लास स्लैब में ऐसा हुआ था, लेकिन प्रिज्म में ऐसा क्या, ऐसा नहीं हुआ। प्रिज्म में क्या हुआ, प्रिज्म में जो आपतित किरण थी और निर्गत किरण थी, इन दोनों के बीच, ये दोनों समानांतर नहीं है, इन दोनों के बीच कोई ना कोई एंगल है, कोण है। तो कौन कौन सा कोण है, देखो इसको ये आई ऐसे, जाना था ऐसे सीधा, और ये गई ऐसे, इसका मतलब इसको हम पीछे बढ़ाए ऐसे और इसको भी आगे बढ़ाए ऐसे। तो ये जो प्रकाश की किरण है जो आने वाली थी और जो गई है, ये कितने कोण पे मुड़ी है, कितने
कितने कोण का विचलन हुआ। तो देखो ये आगे ऐसे बढ़ाते हैं हम और इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये जितना कोण है इतना ही तो विचलन हुआ आने वाली किरण में और निकलने वाली किरण में, जो ये कोण है इतना ही तो विचलन हुआ है। तो इस कोण को क्या बोलते हैं, इस कोण को बोलते हैं विचलन कोण। जो ये एंगल डी है यहाँ पे, इसको बोलते हैं विचलन कोण। पेपर में आता है ये, और ये जो कोण है इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। कोई प्रकाश की किरण कितना मुड़ेगी ये निर्भर करता है प्रिज्म कोण के ऊपर, क्योंकि प्रिज्म का ये काम है। प्रिज्म ने क्यों मोड़ा इसको, क्योंकि प्रिज्म की दो सतह किसी कोण पे आपस में टकराती है, वो एक दूसरे के ऊपर समानांतर नहीं होती। अगर समानांतर होती तो आपतित किरण और निर्गत किरण भी समानांतर होती, लेकिन दो फेस आपस में किसी कोण पे टकराए हुए हैं, तो आपतित किरण और निर्गत किरण भी किसी न किसी कोण से विचलित होंगी, और उस कोण को क्या बोलेंगे, विचलन कोण। तो ए भी आपतित किरण हम पढ़ चुके हैं, बी सी अपवर्तित किरण है, सी डी निर्गत किरण है, ये सी डी है, और क्यू पी आर ये क्या प्रिज्म कोण है, और कोण डी क्या है, विचलन कोण है। ठीक है भाई, ये विचलन कोण ये आ जाता है कई बार पेपर में कि प्रिज्म द्वारा अपवर्तन को चित्र द्वारा समझाइए, तो ये चित्र बनाना पड़ता है उस समय, पहले पेपर में आया है। अब आता है प्रकाश का विक्षेपण। देखो प्रकाश का विक्षेपण होता है श्वेत प्रकाश का सात रंगों में विभाजित हो जाना, प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश क्या, सूर्य से आने वाला प्रकाश या बल्ब से निकलने वाला प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश है। लेकिन ये जो श्वेत प्रकाश है ना, ये सात रंगों का मिक्सचर होता है, इसमें सात रंग होते हैं, सात रंगों से बना होता है ये। तो ये किसने बताया, प्रकाश का विक्षेपण किसने किया, ये 1665 में न्यूटन ने किया था। उसने क्या किया था, उसने एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म लेके उसकी एक सतह पे श्वेत प्रकाश को टकराया और इधर इसके सामने रख दी एक स्क्रीन, मतलब एक पर्दा रख दिया, ये समझ लो कोई वाइट कपड़ा रख दिया। ठीक है, जब उसने देखा, जब श्वेत प्रकाश इसमें से गुजरा तो उसको उस पर्दे के ऊपर सात रंगों का एक बैंड प्राप्त हुआ। बैंड मतलब एक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, सात रंगों का जो विभाजन है, मतलब पट्टी दिखाई देगी, एक रंग बिरंगी पट्टी दिखाई देगी, जिसमें ऊपर सबसे लाल रंग होगा, फिर ऑरेंज होगा, फिर येलो होगा, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट, ऐसे ऐसे सात रंगों की पट्टी दिखाई देगी पर्दे के ऊपर। उस पट्टी को, रंगों की इस पट्टी को बोलेंगे स्पेक्ट्रम। ठीक है भाई, अब सात रंगों में श्वेत प्रकाश विभाजित हुआ, किसने किया, प्रिज्म ने। अब ये जो सात रंग हैं, इनको याद करने का एक तरीका है, क्या एक शब्द है आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, VIVIP VIB GYOR, ये इसके द्वारा हम याद कर सकते हैं, क्या VIB GYOR VIB GYOR। इस शब्द से हम इन सात रंगों को याद कर सकते हैं, बी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। अब देखो इसमें से ये जो प्रकाश है सबसे नीचे वाला, इसके अंदर विचलन सबसे कम हुआ है कि सबसे अधिक हुआ है, तो आप देखोगे कि इस रंग के अंदर विचलन सबसे अधिक हुआ है। कैसे, यहां से देखो, ये प्रकाश किरण ऐसे जानी थी, लेकिन ये जो रंग है वायलेट ये गया ऐसे, तो इनके बीच में कौन सबसे अधिक है, तो इसका विचलन सबसे अधिक हुआ। और सबसे कम किसका हुआ, लाल प्रकाश का विचलन सबसे कम हुआ। ठीक है भाई, तो इस प्रकार ये सात रंगों में श्वेत प्रकाश सात रंगों में विभाजित होने का कारण क्या है, इसका कारण यह है कि जो ये सात रंग है, ये सात रंगों की गति या स्पीड इस प्रिज्म के अंदर, कांच के अंदर अलग अलग होती है। जो ये वायलेट होता है इसकी गति सबसे कम होती है, जब ये श्वेत प्रकाश इसमें से गुजरेगा इस कांच में से, तो इस कांच में जब ये सात प्रकाश जाएंगे तो इन सातों रंगों की स्पीड इस कांच में अलग अलग है, तो जब अलग अलग स्पीड है तो ये बटी जाएंगे, तो ये अलग अलग चलते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो वायलेट है इसकी स्पीड सबसे कम है, उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। रेड की स्पीड सबसे अधिक होती है किसमें, कांच में। इसलिए नॉर्मल सी बात है, सीधी सी बात है, मान लो आपको किसी अंधेरे, आप इधर खड़े हो और बीच में
उधर भी लाइट है, बीच में अंधेरा है, और उसको जो क्रॉस करने से आपको डर लग रहा है, तो आप कोशिश करोगे कि उसको भाग के क्रॉस कर ले, ताकि मतलब कुछ भी चीज हमें महसूस ना हो। तो ज्यादा स्पीड होगी तो तेजी से निकल जाएंगे बिना डेविएशन के। तो ऐसा ही रेड लाइट जो होती है, लाल प्रकाश जो होता है उसमें भी होता है, उसकी स्पीड बहुत अधिक होती है, तो वो बिल्कुल सीधा निकल जाएगा बिना डेविएशन के। अगर होगा भी तो थोड़ा बहुत डेविएशन होगा, थोड़ा बहुत विचलन होगा, क्यों? क्योंकि इसकी गति अधिक है, लेकिन इसकी गति तो सबसे कम है, तो इसमें विचलन सबसे अधिक होगा। तो गति में विभिन्नता के कारण ये प्रकाश के रंग, सात रंग अलग अलग बढ़ जाते हैं, वरना तो एक साथ थे, इकट्ठे ही थे, लेकिन जब इस कांच में प्रवेश करते हैं तो कांच में इनकी गति अलग अलग होने के कारण ये बढ़ गए सात रंगों में। तो इस प्रकार हमें एक बैंड प्राप्त होता है, ठीक है भाई। इसको बोलते हैं प्रकाश का विक्षेपण। अब है जो ये सात रंग प्राप्त हुए हैं, इन सात रंगों को दोबारा से श्वेत प्रकाश में बदला जा सकता है। कैसे? देखो, इन सात रंगों में विभाजित करने वाला कौन है? एक प्रिज्म है जिसने श्वेत प्रकाश को सात रंगों में विभाजित कर दिया। अब उस ये सीधा रखा था हमने प्रिज्म, तो इसने क्या किया? सात रंगों में विभाजित कर दिया। एक प्रिज्म इसके सामने उल्टा रख दो आप। देखो, ये एक प्रिज्म हमने रखा, यहां से श्वेत प्रकाश आया, इसने सात रंगों में विभाजित कर दिया। अब इसके सामने एक ऐसा ही बिल्कुल सेम प्रिज्म होना चाहिए, वैसे ही कांच का बना होना चाहिए, तो वो इसके सामने उल्टा रख देंगे, तो वो प्रिज्म क्या करेगा? इन सभी सात रंगों को वापस आपस में मिला देगा, और हमें क्या प्राप्त होएगा? श्वेत प्रकाश वापस प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार क्या होता है, मतलब प्रकाश के सात रंगों से, उस स्पेक्ट्रम से हम दोबारा से एक व्हाइट लाइट प्राप्त कर सकते हैं, मतलब श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई, ये था प्रकाश का विक्षेपण और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है भाई। तो इसको समझना है और किताब से जो क्वेश्चंस हैं किताब से सोल्व करने हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।